Hello students, today we will learn divisibility rules of numbers. Numbers के divisibility rules जो हम पढ़ना start करेंगे. So our first number is division rule of number 2. 2 से किसी number को divide करने के rules क्या क्या है. So first rule is a number is divisible by 2 if the last digit is 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी वंस प्लेस में कौन सा नंबर होगा, 0, 2, 4, 6 और 8. इट मींस उस क्या वो नंबर कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, तो वो नंबर कैसा नंबर है, इवन नंबर है. और वो किससे होगा डिविजिबल, 2 से. फॉर एन एग्जाम्पल 9168 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है. कम्प्लीटली डिवाइड इट मींस रिमाइंडर इज 0. और यहाँ पे जो वंस प्लेस में है, हमारे पास नंबर कौन सा है, 8 है. सो 9168 इज डिविजिबल बाय 2 एज द लास्ट डिजिट इज 8, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट क्या था, 8 था, जो कि इवन नंबर था. और सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. सो फर्स्ट रूल हमने देखा. सेकंड रूल, डिविजन रूल ऑफ नंबर्स 3. डिविजन रूल ऑफ नंबर्स 3 में क्या है रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. क्या होता है, उस नंबर का जो सम हम फाइंड करते हैं वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, 9168 डिवाइड बाय 3 किया. सो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है और हमें 3056 फाइंड हो रहा है. बट 9168 इज डिविजिबल बाय 3 सिंस द सम ऑफ द डिजिट इज 24. जब हम सारे डिजिट को क्या करते हैं, आपस में इसका सम फाइंड करते हैं, 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8, तो हमें क्या मिला, 24. और दिस 24 इज डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. ये जो 24 है वो क्या है, 3 की टेबल में 24 आता है, इट मीन्स 3 से डिविजिबल हो जाता है. सो गिवन नंबर का जब हम सम फाइंड करते हैं और वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, डिविजन रूल फॉर नंबर 4. सो रूल इज, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब गिवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट, इट मींस यहां पे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. एग्जांपल 9168 डिवाइड बाय 4. अब यहां पे हम सेकेंड वाला देखते हैं, 9168 इज डिविजिबल बाय 4 एज द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म्स द नंबर, जो इसमें लास्ट 2 डिजिट है, इट मींस वंस एंड टेंस प्लेस. यहाँ पे 6 और 8 हम देख रहे हैं कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और 6 टेंस प्लेस में है, इट मींस लास्ट 2 डिजिट नंबर 68 एंड इट्स डिविजिबल बाय 4. 68 क्या होता है, 4 से अगर डिविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली, तो जो गिवन नंबर है वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उसके वंस और टेंस प्लेस की वैल्यू जब हम लेते हैं, वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, विदाउट लीविंग रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के, इट मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो क्या होता है, जो गिवन नंबर है वो भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट, डिविजन रूल ऑफ नंबर 5. 5 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, तो 5 के लिए रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5. लास्ट डिजिट इट मींस वंस प्लेस की डिजिट. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, 9170 डिवाइड बाय 5. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वंस प्लेस की वैल्यू क्या है, 0 है. यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया था, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट मींस वंस प्लेस की डिजिट. सो लास्ट डिजिट इज 0 और 5.
सो यहाँ पे वंस प्लेस के डिजिट हम देख रहे हैं जीरो है, इट मींस जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर इस जीरो के प्लेस में हम फाइव भी रखेंगे तो भी ये नंबर क्या होगा, फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड डिविजन रूल फॉर नंबर सिक्स, सिक्स को डिवाइड, किसी नंबर को सिक्स से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव इफ इट इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री ऑफ सिक्स। तो अगर कोई नंबर सिक्स से डिविजिबल है इट मीन्स वो टू से भी डिविजिबल होना चाहिए और थ्री से भी डिविजिबल होना चाहिए। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. कोई भी नंबर 6 से तभी divisible होगा अगर वो 2 से भी divisible है and 3 से भी divisible है। It means अगर वो किसी एक नंबर से divisible है तो वो 6 से divide नहीं होगा। 6 से divide होने के लिए उसे दोनों condition fulfill करना पड़ेगा। It means first उसे 2 से भी divide होना पड़ेगा और second 3 से भी divide हो जाएगा। For example, example 1 हम ले 9168 by 9168 डिवाइड बाय 6, सेकेंड 9168 डिवाइड बाय 2, हम पहले चेक करते हैं कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो हम 9168 को डिवाइड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि इसके वंस प्लेस में क्या है, 8 है। इट मींस इसके वंस प्लेस में 8 है तो ये नंबर 9168 2 से डिविजिबल होगा। यस होगा, क्योंकि हमने ये रूल पे पढ़ा था कि डिविजन रूल ऑफ नंबर 2 में ये हमने पहले ही देखा था कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे कितनी टाइम्स में डिविजिबल होता है तो आप डिवाइड करके चेक करेंगे। सो आंसर आएगा 4584 टाइम्स में क्या करता है, वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे 3 से डिवाइड करके, क्योंकि हमें क्या कंडीशन का चेक करना था कि अगर वो 6 से डिविजिबल होता है इट मीन्स उसे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सो 3 से वो डिविजिबल है कि नहीं, सो 9168 इज डिविजिबल बाय 3। सो हम क्या करेंगे, पहले हमने 3 के डिविजिबिलिटी रूल में देखा कि गिवन नंबर को हम सम फाइंड करेंगे। इट मीन्स 9 + 1 क्या हुआ, 10 हुआ, 10 + 6 16 हुआ, और 16 में हम 8 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24। सो ये क्या हो गया, सम क्या हो गया इस फोर डिजिट का, 24, और 24 क्या होता है, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। सो 3 से डिविजिबल है ये नंबर और कितनी टाइम्स में, 3056 टाइम्स में। तो अगर ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है और ये सिक्स तो क्या हो रहा है, ये 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हमने फर्स्ट में देखा था 9168 इज डिविजिबल बाय 6। सो आवर आंसर इज 1528। सो 9168 इज डिविजिबल बाय 6 एज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 9168 क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा क्योंकि वो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। सो हमने ये रूल देख लिया। अब नेक्स्ट रूल में आएंगे, डिविजन रूल फॉर नंबर 7। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सो टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर्स। कोई भी जो नंबर हमने लिया है, सपोज यहाँ पे हमने फोर डिजिट का नंबर लिया है 7168, इसमें क्या बोल रहा है, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट कौन सा है इसका, 8। सो हमने 8 ले लिया, डबल इट, डबल करना है, इट मीन्स 8 का डबल क्या हो गया, 8 2 16। अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 2 लास्ट डिजिट हमने लिया उसका डबल किया, सो डबल क्या हुआ, 16 हुआ। सब्ट्रैक्ट द डबल नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, और जो डबल नंबर था इट मीन्स 8 का जो डबल था वो 16 था और रिमेनिंग नंबर्स क्या था, 716। यहाँ पे 8 हमने ले लिया ना, डिजिट हो गया ये, सो 716 माइनस 16
रिमेनिंग जो नंबर्स था उसको हमने क्या किया, उस डबल वाले नंबर में, डबल वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट, डबल वाले नंबर को उस नंबर में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. सो 716 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 700. सो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आया, 700. देन द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7. जो हमें रिजल्ट मिला, इट मींस जो हमें 700 आंसर मिला, इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, अगर वो जो आंसर है वो 7 से डिविजिबल होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. तो जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट रूल में डिविजन रूल ऑफ नंबर 8. 8 के लिए डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8. अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा. डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, डजंट मैटर, हमें ये मैटर नहीं करता. हमें चेक करना है कि अगर वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें सिर्फ उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट लेने हैं. सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे. 9168 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू, हमें इसको फाइंड करना है. सो 9168 इज डिविजिबल बाय 8, तो हमें कम्प्लीटली इसके लास्ट डिजिट को हम लेंगे एस द लास्ट 3 डिजिट क्या हुआ, 168. और हम सिर्फ इस लास्ट डिजिट से चेक करेंगे, 168 इज डिविजिबल बाय 8. 168 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 इज 21. सो 168 को हम जब 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 8 टू जार 16 एंड 8 वन जार 8, तो हमारे पास आंसर क्या है, 21. इट मींस लास्ट 3 डिजिट क्या हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है. सो जो गिवन नंबर है 9168 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. जो गिवन नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा. डिविजन रूल फॉर नंबर 9. 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमें देखना है. फाइंड द सम ऑल द डिजिट. यहाँ पे क्या करना है, हमने एक एग्जांपल लिया 9178. अब यहाँ पे हमें बोल रहा है इस रूल में 9 से डिविजिबल कब होगा. हमने 3 के लिए देखा था, तो क्या देखा था, टेक अ नंबर एंड क्या करना था, जो जितने भी डिजिट थे उसमें आपस में क्या करना था, ऐड करना था. और ऐड करने के बाद हमें चेक करना था अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मींस जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे हम 9 के लिए भी सेम प्रोसेस देखेंगे. फाइंड द सम ऑफ द डिजिट. यहाँ पे डिजिट क्या क्या है, 9171. इट मींस 9 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, एंड 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18. एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9. 18 क्या होता है, 9 टू आर 18. सो 9 से डिविजिबल होता है. सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्लियर हो गया. सो 9171 इज डिविजिबल बाय 9. डिजिट हमारे पास जो भी हो, अगर हम उसे ऐड करते हैं और ऐड किया हुआ नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो गिवन नंबर चाहे 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, वो 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा ही. डिविजन रूल ऑफ नंबर 10. चेक दैट लास्ट नंबर इज 0. सिंपल है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा. सिंपल है, सबसे सिंपल है. अगर किसी भी नंबर, चाहे वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी डिजिट का हो, अगर उसके वंस प्लेस में क्या है, 0 है, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर नंबर 11. 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने 7 के लिए देखा था, सेम उसी प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस के साथ. अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट एट द डिजिट इन ऑड प्लेस. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट हमारे एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास नंबर क्या है, 10,813. इट मींस 10813 5 डिजिट का नंबर है. अब यहाँ पे क्या है, हम सेकंड में देख रहे हैं, यहाँ पे रेड एंड ब्लू में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं. सो रेड प्लेस क्या दिखा रहा है, ऑड प्लेस को, और जो ये क्या दिखा रहा है, ये ब्लू वाला क्या दिखा रहा है, इवन प्लेस को. इट मींस इवन मींस वन प्लेस में है, वंस प्लेस में, तो वो ऑड है. सेकेंड प्लेस में है तो वो इवन है. सो एट द डिजिट इन ऑड प्लेस, ऑड नंबर्स को ऐड करने नहीं बोल रहा है, ऑड प्लेस के नंबर को बोल रहा है. ऑड प्लेस में जो वैल्यू है उसे ऐड करने बोल रहा है. सो ऑड प्लेस सम क्या हुआ, 1 प्लस 8 प्लस 3. सो 8 प्लस 3
8, 9, 10, 11 and plus 1, 12. Add the digit in even place. अब even place में जो number है, it means blue वाले जो numbers आपको दिख रहे हैं ना, वो कौन से place में है? Even place में है, even numbers नहीं है, even place में है. So even place का sum हमने find किया, 0 plus 1 is equals to 1. अब क्या बोल रहा है? Find difference between both them. अब जो आपने even और odd दोनों places के जो number find किए हैं, उसका क्या करना है? Difference find करना है. Difference means subtract कर देना है. So if answer is either 0 or divisible by 11, then it is divisible by 11. So अगर answer जो आता है, या तो z क्या आता है? 11 से divisible आता है, तो क्या होगा ये number भी? Divisible होगा किससे? 11 से. So हमारे पास difference आया, 12 minus 1 is equal to 11. So this given number is also divisible by 11. Division rule for number 12 के लिए हम भी एक number 12 के लिए number के लिए भी हम देख लेते हैं divisibility rule. A number is divisible by 12 if it is divisible both 3 and 4. हमने same यही process किसके लिए देखा था? 6 के लिए. If a number is divisible by 6, if it is divisible by both 2 and 3, so यहाँ पे भी same है. अगर वो number 12 से divisible हो रहा है, तो वो 3 and 4 से भी divisible होगा. या फिर हम बोल सकते हैं, अगर वो number 3 and 4 दोनों से divisible हो रहा है, तो वो number क्या होगा? 12 से divisible होगा. तो इसके लिए भी अब हम एक example लेंगे. Example 2424 divide by 12. So, first हम इस method से check करते हैं. क्या करेंगे? सारे numbers पहले हमने add कर लिए. Add करने से क्या हुआ? 12. हमने 3 के लिए पढ़ा था कि जो given number है, given digit है, उसे आपस में add करेंगे. और अगर जो number आता है, वो 3 से divisible है, it means वो given number भी 3 से divisible होगा. So, यहाँ पे हमने लिया 2424 का 2 plus 4 plus 2 plus 4. It means 12 is, yes, ये भी correct है. Last 4 के लिए हमने क्या दिया देखा था? Last 2 digit is divisible by 4. अगर given number का last 2 digit 4 से divisible होता है, तो given number चाहे जितने भी digit का हो, वो 4 से divisible होगा. तो यहाँ पे हम last 2 digit देखेंगे. Last 2 digit है 24 and it is divisible by 4. और वो किससे divisible हो रहा है? 4 से. So ये देखा हमने, 3 से भी divisible है, 4 से भी divisible है. So number 12. और हमने starting में ही देखा था कि ये number हम जब 12 से divide करते हैं, तो 12 से भी completely divisible हो जाता है 202 times में. So जब हम इस type के question solve करेंगे, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 12 से divide करके देखें. हम simply check कर सकते हैं, अगर ये 3 और 4 दोनों से divisible हो रहा है, it means वो 12 से भी divisible है.